छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1627 को मराठा परिवार में शिवनेरी के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी और माता जीजाबाई थी। वे एक भारतीय शासक थे जिन्होंने बहुत विशाल मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहादुर, बुद्धिमानी, शौर्यवीर और दयालु शासक थे। इसीलिए उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। मैं आपसे पहले क्षमा मांग लेता हूँ, अगर कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज बोलने की जगह अगर शिवाजी भी बोल लो या फिर छत्रपति शिवाजी बोल लो केवल, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यूँ तो शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता है, पर यह सत्य इसलिए नहीं है कि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे तथा अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे शासकों और उसकी छत्रछाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। नहीं तो वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक एवं परिचायक थे। इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्र पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गणना की जाती है। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिवा का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्जवल कहानियां सुना और शिक्षा देकर किया था। दादा कौंडिन्य के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध आदि विद्याओं में भी निपुण बनाया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्य परायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवा अवस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक पहुंची। अत्याचारी किस्म के यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही मारे डर के बगले झांकने लगे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को भेजा। उसने भाई सारे वसूलों का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों में घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बगनक का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेना अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। उनकी इस वीरता के कारण ही उन्हें एक आदर्श एवं महान राष्ट्र पुरुष के रूप में स्वीकारा जाता है। इसी के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में 3 सप्ताह की बीमारी के बाद रायगढ़ में स्वर्गवास हो गया।